आज हम बात करेंगे कि आखिर आपका अवचेतन मन आपको दौलतमंद कैसे बना सकता है और यह आपके दौलत को कैसे प्रभावित करता है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप खूब सारी दौलत प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती। इसमें असंख्य विचार हैं जो आपके चेतन मन से प्रभावित होते हैं और असंख्य तरीके से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार खड़े हैं, और इसकी प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी। दरअसल आपकी दौलत कभी भी बाहरी बाजार से उतना प्रभावित नहीं होती है जितना कि आपके अवचेतन मन से प्रभावित होती है। अगर आपके अवचेतन मन में दौलत कमाने की पिक्चर एकदम क्लियर है तो आप दौलत जरूर कमा लेंगे। मैं आपको जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है और आपके जीवन में हमेशा प्रभावित होती रहेगी, तो अंततः यह आपको मिल ही जाएगी, यह चाहे जिस भी तरीके से हो। अगर आप इस बात की चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति ढेर सारा पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो आप उसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर आपकी शंकाएं सही हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है और समय के साथ मस्तिष्क उसे वैसा परिणाम जरूर देगी, तो आप सावधान रहें और उसकी आलोचना करना बंद कर दें। दौलत को प्राप्त करने की राह में अवरोध आपके मस्तिष्क में है। आप अपने सभी मानसिक अवरोधों को नष्ट कर दें, सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाएं, दौलत आपकी तरफ खींची चली आएगी। जब आप अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपको आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी प्रकार से अमीर बनने का रास्ता मिल जाता है। जिस भी व्यक्ति ने मस्तिष्क के नियम को सीख लिया और जान लिया है कि यह मस्तिष्क कैसे काम करता है, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे कभी भी कितनी भी आर्थिक संकट आ जाए, चाहे कितनी भी मंदी आ जाए, हड़ताल हो, उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जब दौलत का विचार आपके मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है, तो आपका अवचेतन मन आपको दौलत देने के लिए नए नए विचार पैदा करने लगता है, जिसके उपयोग से आपको धन प्राप्त हो जाता है। एक रिसर्च में यह पता चला है कि अगर दुनिया के सभी अमीर लोगों से पैसे लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, तो आने वाले अगले 10 से 15 सालों में वो सारे पैसे जो अमीरों से लिए गए थे और गरीबों को दिए गए थे, वो वापस अमीरों के पास चले आएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमीर लोगों को पता होता है कि धन कैसे कमाया जाता है, और गरीब लोगों को यह पता नहीं होता है कि धन कहाँ खर्च किया जाए। अगर आपको दौलतमंद बनना है तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाना होगा और अपने खर्चों को कम करना होगा। इसके जरिए ही आप एक दिन अमीर बन सकते हैं। अगर आपको दौलतमंद बनना है तो सबसे पहला काम यह करना है कि आपको खुले तौर पर दौलत को गंदा कहने से बचना होगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो आंतरिक रूप से धन तो कमाना चाहते हैं, लेकिन बाहरी तौर पर वो यह कहते रहते हैं कि धन का प्रेम ही सभी बुराइयों की जड़ है। आपके दौलतमंद न बनने का यह सबसे बड़ा कारण है कि आप दौलत को खुले दिल से स्वीकार नहीं करते हैं। आप यह कहीं न कहीं मानते रहते हैं और इन बातों से प्रभावित रहते हैं कि धन ज्यादा होने से बुराइयां आती हैं। ऐसा नहीं है। दौलतमंद बनने का एक कारण यह भी है कि आपके अवचेतन मन में कहीं न कहीं यह बात छिपी होती है कि गरीबी में ऐसी कोई खास गुण है जो उसे सही मार्ग पर रखेगी। दोस्तों, अगर आपको दौलतमंद बनना है तो आपको दौलत को सच्चे दिल से स्वीकार करना होगा। आप दौलत की बुराई करके दौलत कमाने का विचार नहीं सोच सकते। आपको उसे खुले दिल से स्वीकार करना होगा और इस इच्छा को जागृत करना होगा कि आप सच में दौलत चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों, एक बार एक आदमी ने कहा कि मैं दिवालिया हो गया हूँ, लेकिन वो दिवालिया नहीं हुआ था, वो बस ऐसे ही कह रहा था। वो यह भी कह रहा था कि मुझे धन पसंद नहीं है, यह सारी बुराइयों की जड़ है। यह कथन दुविधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिकता के सूचक है। धन का प्रेम अगर बाकी सब चीजों से ज्यादा हो जाए तो इससे आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से उपयोग करके अमीर बन सकते हैं और दौलत का सही उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ धन कमाने में लगा दें और यह कहें कि मैं सिर्फ धन कमाना चाहता हूं और बाकी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित न करें, तो हो सकता है आप धन कमा लें और ढेर सारा धन कमा लें, लेकिन इसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, आप इस दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं।
आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकता को भी संतुलित करना चाहिए। धन संग्रह को एकमात्र लक्ष्य बनाकर आप गलत चुनाव करते हैं। हो सकता है आप सोचे कि आप सिर्फ धन ही चाहते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको सिर्फ धन ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कुछ चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन का लक्ष्य सिर्फ धन कमाना नहीं होना चाहिए। आप अपने अवचेतन मन के नियम को सीखकर लाखों या करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और साथ ही साथ मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसी की इच्छा जागृत करनी चाहिए, न कि सिर्फ धन के पीछे भागना चाहिए। दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ धन कमाना नहीं चाहते हैं। आपको धन के साथ साथ मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति की भी जरूरत है। आप उसके लिए भी प्रयास करें। दोस्तों, आपको मेरी एक बात को समझना पड़ेगा कि सुख और खुशी में अंतर है। आपके जीवन में सुख और समृद्धि कहीं से भी आ सकती है। ढेर सारा धन दौलत, अच्छी गाड़ी, बड़े बड़े घर, ये सब कुछ होने के बाद आप सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन सब चीजों के बावजूद आपको खुशी मिले, आपका अवचेतन मन शांत हो, आप अंदर से खुशी अनुभव करें। ऐसा नहीं हो सकता है। आप यह कभी सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि ज्यादा पैसा, घर, गाड़ी, बंगला आदि सभी चीजें होने के बाद भी आप खुश हैं। हो सकता है आपके पास ये सब कुछ हो, उसके बावजूद भी आप खुश न हो, आप अंदर से परेशान हो। दोस्तों, आपको खुशी तलाशनी पड़ेगी। अगर आपको धन से सुख के साथ साथ खुशी मिलती है तो धन अच्छा है। अगर आपको बड़े घर में खुशी मिलती है तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़े घर, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, सब कुछ होने के बावजूद आप खुशी हैं। आपको जीवन में खुशी को ढूंढना पड़ेगा, सुख को नहीं। दोस्तों, मैं इससे जुड़ी और भी बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ और आपसे ये बातें करना भी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं और अपने विचार आपसे साझा करूँ तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।